हैं रियलमी के बड्स एयर जो कि 4,000 रुपये अमेजोन से पड़े हैं और 24 घंटे इसके बॉक्स की कैपेसिटी है एंड 24 आवर्स ही शायद ये चलते हैं 2 घंटे चार्जिंग के बाद। बॉक्स में आपको एक यूएसबी वायर और ये मेन चीज और ये आपकी यूएसबी वायर जिससे चार्ज होगा 2 घंटों में चार्ज होगा। तो पहले मैं आपको एंड्रॉइड से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। फ़ोन है मेरा सैमसंग A50 एंड्रॉइड है एंड कैसे करना है कनेक्ट आपको मैं दिखाता हूँ। सिंपल है, आप ब्लूटूथ में जाएं सेटिंग्स में एंड अपने इस बॉक्स को इसको पहले ब्लूटूथ ऑन कर लें एंड बॉक्स को खोल दें तो ये ग्रीन लाइट आपकी जल रही है। एक बार मैं इसको अनपेयर कर देता हूँ। पहले अनपेयर कर दिया है मैंने। जैसे ही आप ये बॉक्स खोल देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। एंड्रॉइड में तो बहुत ही सिंपल है इसको करेक्ट करना, बस आपको क्लिक करना है पेयरिंग के लिए पूछ रहा है एंड ये अब कनेक्ट हो चुका है। देखिए वॉल्यूम में भी इसका ऑप्शन आ गया है। तो एंड्रॉइड में तो बहुत सिंपल है, एप्पल में कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। तो अब अपना रियलमी एयरबड्स कैसे आप एप्पल में कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सेटिंग्स में जाना है, ब्लूटूथ में जाना है और ब्लूटूथ को ऑन रखना है और ये बॉक्स खोल के एक ही बटन है उसको दबाए रखना है, उसको प्रेस करे रखना है। तो आप देख सकते हैं शायद साफ नहीं आ रहा है, इसमें आ गया है रियलमी ईयरबड्स का ऑप्शन। सिंपल है, क्लिक करना है आपको और देखिए कनेक्ट हो गया है और कुछ भी नहीं है। अब आप सिंपल इसको यहाँ से निकालें और म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी ये वीडियो चल रही है और इसके फीचर्स दिखाने के लिए अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में 2 बार टैप करूँगा तो ये पॉज हो गया है। अब 2 बार टैप करूँगा तो ये प्ले हो गया है। अब मैं जब 3 बार टैप करूँगा लेफ्ट साइड में तो ये नेक्स्ट हो गया। तो प्ले, पॉज और नेक्स्ट ऐसे होगा। यही दोनों फीचर्स हैं अभी तक के, इसके मुझे पता लगे। बाकी और कोई फीचर आएगा तो मैं बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट हो गया।